हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब लर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब सही हो गए। आज की हमारी जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी फसाई में, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पे ना वेरियस टाइप की वैकेंसी आई हुई है, बोले तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में। तो जो टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली वो रहने वाली 256। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कब से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी फीस रहने वाली है, क्या आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो उससे पहले, अगर आप हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो काफी मजा आने वाला है, लंबी वीडियो होने वाली है, बने रहिएगा साथ में। चलिए शुरू करते हैं। सो फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फासी, ऑब्वियसली आपने ना कई जगह देखे होंगे, आपके हर फूड एंड प्रोडक्ट्स के जो पीछे पैकेजिंग प्रोडक्ट होते हैं उनके पीछे एक फासी लाइसेंस होता है। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही ये एक डिपार्टमेंट है फासी, यहीं पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो डिटेल में जानते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे फासी रिक्वायरमेंट 2021, ये पैन इंडिया आपकी लोकेशन में रहने वाली है। जो भी आपकी जो लोकेशन होगी अक्रॉस इंडिया होगी, आपको कहीं पर भी जॉब लोकेशन मिल सकती है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो 13 नवंबर से स्टार्ट, अक्टूबर से स्टार्ट होकर आपकी 12 नवंबर तक का रहने वाली है। और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है fasi.gov.in पर जाकर ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो डिटेल्स ये रही आपकी ग्रुप ए कैटेगरी, जो आपकी ग्रुप ए कैटेगरी आती है, उस ग्रुप ए कैटेगरी में आपका ये 21 पोस्ट रहेगी। इन 21 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो देखते हैं, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है 6 और असिस्टेंट मैनेजर की जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स है उनके लिए 9 है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे जो डिटेल दी है वो दी है टेक्निकल ऑफिसर की, जो कि 125 रहने वाली है। सेंट्रल फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर 37 है, फूड एनालिस्ट के लिए 4 है और असिस्टेंट मैनेजर आईटी बैकग्राउंड के लिए 4 सीट खाली है। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो 4 दी हुई सीट और असिस्टेंट के लिए 33 है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सिंगल सीट है, यहाँ पे एक सीट देखने के लिए मिल रही है। और पर्सनल जो असिस्टेंट रहने वाला है उसके लिए 19 सीट यहाँ पे खाली है, और जो आईटी असिस्टेंट रहने वाला है उसके लिए 3 सीट खाली है, और जो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 रहने वाला है उसके लिए 3 सीट खाली है। यानी टोटल 254 सीट यहाँ पे खाली है कैटेगरी ए को मिला के, और इन 233 पोस्ट को मिलाकर जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 254 पोस्टेस अवेलेबल है। सो बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर है हर प्रोफाइल की हम बात करेंगे। पहले प्रोफाइल हम डिप्टी मैनेजर की बात करेंगे, इसमें आपसे पीजी मांगे, यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। किस चीज में? मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म होना चाहिए। आपके साथ में 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। सेकंड है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसमें आपके पास एमटेक पीजी डिप्लोमा या बी या बीटेक रहना चाहिए। थर्ड है हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है, ओनली बैचलर डिग्री, वो भी किस में? आपके पास इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, साथ ही साथ में 6 ईयर का आप क्लियर देख पा रहे हैं। इसमें आपके पास जो फाइनेंस में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। साथ ही में अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास डिग्री ऑफ लॉ की होनी चाहिए, जिसमें आपके पास 3 ईयर्स का हैंडलिंग एक्सपीरियंस हो। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है, वो है टेक्निकल ऑफिसर की। टेक्निकल ऑफिसर में आपसे मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है। इसमें भी वेरियस टाइप की ऑफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, जैसे कि हम बात कर ले केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फूड न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड वेजिटेबल एंड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस। अगर ये भी सब आपके पास नहीं है तो भी आप टेक्निकल ऑफिसर प्रोफाइल के लिए अदर जो आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, लाइक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक हो सकती है, किस चीज में? आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी में हो, या आपकी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में हो, या आपकी बीटेक ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, या आपकी बीटेक फूड प्रोसेस में हो। इस तरह से आप भी अलग अलग तरह की बीटेक डिग्रीज के साथ भी आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी प्रोफाइल के लिए? टेक्निकल ऑफिसर के लिए। अब बात कर रहे थे अगली जो नेक्स्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है हमारी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसमें भी आपसे डिग्री मांगी गई है, किसमें? फूड टेक्नोलॉजी में या डिग्री टेक्नोलॉजी में, या आपसे बायोटेक्नोलॉजी में या ऑयल टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर साइंस में। इस तरह से आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एनालिस्ट की। जो फूड एनालिस्ट की प्रोफाइल रहने वाली है उसमें मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में या डेयरी केमिस्ट्री में या फूड टेक्नोलॉजी में या फूड साइंस में, टेक्नोलॉजी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में रहनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारे भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके बाद बायो बैचलर ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं बीटेक, किसमें? डेयरी में होनी चाहिए या ऑयल में होनी चाहिए, या आपकी वेटरनरी साइंस, जो वेटरनरी साइंस डॉक्टर्स होते हैं उनमें आपकी बीटेक होनी चाहिए, या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर है।
अगर हमारा जो नेक्स्ट है वो रहने वाला है हमारे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाएगा, वो भी फुल टाइम कोर्स रहना चाहिए, आपका जर्नलिज्म में हो या मास कम्युनिकेशन में हो। इसके बाद इसमें अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, या लेबर में, या सोशल वेलफेयर में, इन सर्टिफिकेट के साथ भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो आप बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ हो, इसमें साथ साथ में लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट साथ साथ में आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हो। अगली जो हमारी पोस्ट रहने वाली चलिए वो भी हमारी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर की, बट वो रहने वाली है आईटी बैकग्राउंड के लिए। जैसे कि आईटी बैकग्राउंड है तो इसमें बीटेक या एमटेक कंप्यूटर साइंस चलेगा, या रेलिवेंट एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग का रहना चाहिए, या आपके पास एमसीओ। अगर आपके पास ये भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री रेलिवेंट फील्ड में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट होना ही चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट है हमारी असिस्टेंट की। असिस्टेंट में हमारे पास है बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें सिंपल है, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो भी आप इस असिस्टेंट, खाली असिस्टेंट नॉट ए मैनेजर, खाली असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की। तो हिंदी ट्रांसलेटर में हम जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके पास इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट से या इंग्लिश सब्जेक्ट से, एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड कंपल्सरी ही रहना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट, अगर आपके पास ये सब नहीं है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री हो इन एनी अदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपका इसमें शॉर्ट हैंडेड जो कि 80 वर्ड्स पर मिनट रहने वाला है, और जो इंग्लिश की हम बात करें तो उसमें 40 वर्ड्स पर मिनट हो, और हिंदी में बात करें तो हम 30 वर्ड्स पर मिनट रहने वाला है। आपके पास कंप्यूटर एक लिटरेसी सब्जेक्ट रहना चाहिए, उसके बाद एमएस ऑफिस या आपको इंटरनेट इन सबकी थोड़ी बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। अगर इसमें आपके पास कोई सर्टिफिकेट है बेसिक ऑफ कंप्यूटर का या ट्रिपल सी, तो भी वो आप एलिजिबल हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो रहने वाली है प्रोफाइल हमारी आईटी असिस्टेंट की। आईटी असिस्टेंट में हम देखेंगे कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड, ये रिक्वायर है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इसमें और देकर नीचे दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट एंड डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड दिया हुआ है। तो इस तरह से आप आईटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रहने वाली है हमारी वो रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। उसमें आपके पास 12th स्टैंडर्ड आप क्लियर किए हुए हो, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो जो आप 12th स्टैंडर्ड को, या तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी कोर्स हो, यानी यहाँ पे 12th जो पास स्टूडेंट है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट ग्रेड के लिए। सो हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, यानी इस वैकेंसी में एज लिमिट कितनी मांगी गई है किस किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे डिप्टी मैनेजर की प्रोफाइल है, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल बैकग्राउंड से, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है और फूड एनालिस्ट है, इन सबके लिए 35 इयर्स मैक्सिमम रिक्वायर है। उसके बाद है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर आईटी बैकग्राउंड, ओनली असिस्टेंट की, हिंदी ट्रांसलेटर की, पर्सनल असिस्टेंट की, आईटी असिस्टेंट की, और टेक्निकल ऑफिसर की, और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, इन लोगों के लिए मतलब इन प्रोफाइल के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स रिक्वायर है। और नेक्स्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड जो कि 12th बेस है, उसके लिए मैक्सिमम 25 इयर्स ओल्ड है। अब जब हमने इतना डिटेल जान लिया तो मन में सवाल है फीस कितने रहने वाली है। फीस रहने वाली है 1500 रुपए और 500 रुपए, यानी जनरल जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 1500 रुपए पे करने हैं, और जो एससी एसटी और वुमेन है और आपका जो एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको ओनली 500 रुपीज पे करने हैं। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, वो 8/10/21 यानी 8 अक्टूबर से आपके क्या है फॉर्म लाइव हो चुके हैं, 11/7/11 तक का आपके फॉर्म रहने वाले, नवंबर तक का ऑलमोस्ट 1 महीना आपके फॉर्म चलने हैं। इस बीच आपको अगर सीबीटी एडमिट कार्ड की डेट अनाउंस कर दी जाती है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, और इस बीच अगर आपकी रिजल्ट डेट आ जाती है सीबीटी यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही है आपका टेस्ट होने वाला है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाय बाय।